ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 जीतने के बाद हार्दिक ने कहा वे फिलहाल नए बैट की तलाश में हैं। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में मेरा बैट टूट गया था। उस बैट का मैं 3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद मैंने अभी तक खेले गए सभी 5 मैचों, 3 वनडे, 2 T20 में कई बल्ले बदले और एक नया बल्ला ढूंढ रहा हूँ। पांड्या ने कहा कि भारत ने ये मैच टी नटराजन की वजह से जीता है। उन्होंने मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। पांड्या ने कहा, नटराजन ने मैच में शानदार बॉलिंग की। उनकी बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 10 से 15 ओवर में कम रन बनाए और हमें 10 से कम रन रेट का टारगेट मिला, जिसे हमने आसानी से चेज कर लिया। टारगेट चेज करना बेहद आसान है। मैं स्कोर कार्ड देखकर खेलना पसंद करता हूं। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस तरह के शॉट खेलने हैं। उन्होंने कहा, मैं टी नटराजन से काफी प्रभावित हूं। वे चीजों को उलझाते नहीं है। मुझे इस तरह के लोग पसंद है। अगर उन्हें कहा जाए तो कि नट्टू आपका यॉर्कर फेंकना है तो वो सिर्फ यॉर्कर ही फेंकेंगे। अगर उन्हें स्लो बॉल डालने को कहा जाता है तो वो स्लो बॉल ही डालते हैं। वे हमारे लिए शानदार गेंदबाज साबित हुए हैं। अगर आप चीजों को सिंपल रखते हैं तो इसमें आपकी भलाई है। पांड्या ने कहा, मैंने अभी सभी मैचों में ये अनुभव किया है कि T20 में आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा समय आपके पास होता है। मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट क्या है। हमने पहले भी अंत के 5 ओवर में 80 से 90 रन बनाए हैं और मुझे इससे आत्मविश्वास मिला है।